Good morning, dear students. How are you all, dears? Students, our today's topic is lesson number 12, Conquering Distances. Conquering mean to say, बेटा distancing का meaning आपको clear है, यानी दूरी, distance जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह की जो distance होता है, दूरी होती है, ठीक है? Conquering mean to say कि कैसे उस दूरी को कम किया जाए, यानी कि overcome किया जाए, उस दूरी को कैसे तय किया जाए, ठीक है? अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कंक्वायरिंग डिस्टेंसेज यानी दूरियों को कैसे ख़त्म किया जाए। जैसे कि आप अगर अपनी नानी के घर जाते हो तो कैसे उसका डिस्टेंस को आप कवर करते हो, ठीक है? या आप अपनी मासी के घर जाते हो या आपके घर कोई आता है, ठीक है, तो आप कैसे, वो आपके घर आया, वो ऑटो रिक्शा से आया, वो पैदल चल के आए, या फिर वो एरोप्लेन से आए, रेलवे से आए, किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो आए, तो उसको हम बोलते हैं कंक्वायरिंग डिस्टेंसेज, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू अ रेलवे स्टेशन एंड यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद बैग, सूटकेसेस एंड ब्रीफकेसेस रशिंग इन और आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो आप देखते हो कि हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो अपने बैग्स के साथ, सूटकेस के साथ, ब्रीफकेस, अटैची बैग जो उनके पास होता है उसके साथ रेलवे स्टेशन में कोई अंदर आ रहे हैं तो कोई बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है? गो टू अर बस स्टैंड, इसी तरह से जब आप बस स्टैंड जाते हो तो आप वहाँ भी यही सीन देखते हो। एंड यू विल फाइंड अ सिमिलर कंडीशन एट एन एयरपोर्ट और ए पोर्ट, अब सेम कंडीशन आपको एयरपोर्ट पे नजर आती है। और पोर्ट, पोर्ट होता है बेटा जहाँ सी पोर्ट्स होते हैं ना, जो समुद्र जहाज जहाँ पर होते हैं, शिप्स होते हैं बड़े बड़े, उस एरिया को हम बोलते हैं पोर्ट। जैसे बस से जहाँ रुकते हैं उसे बस स्टैंड बोलते हैं, जहाँ रेलवे रेल रुकती हैं वहाँ हम रेलवे ट्रेन्स रुकती हैं उसे हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं, जहाँ एरोप्लेन्स रुकते हैं वहाँ हम बोलते हैं एयरपोर्ट, और उसी तरह से जहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज यानी शिप रुकते हैं उसको हम बोलते हैं पोर्ट। ओके, वेयर आर दीज पीपल गोइंग, अब इतने सारे लोग जो हैं वो रेलवे स्टेशन पे भी, बस स्टैंड पर भी, एयरपोर्ट पर भी, पोर्ट पर भी, वो कहाँ जा रहे होते हैं? पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अलग अलग कारणों से, कोई स्टडीज़ के लिए जाता है, कोई जॉब्स के लिए जाता है, कोई घूमने फिरने जाता है ना। Many people visit with their family members to get together to celebrate festivals like Diwali, Holi, Christmas, Eid, छठ पूजा, गुरु पूरब एट्सेट्रा, यानी बहुत सारे लोग फेस्टिवल्स मनाने जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, अपने घर जाते हैं। जो लोग घर से दूर होते हैं ना, जैसे स्टडीज़ करने स्टूडेंट जाते हैं या जॉब्स करने जाते हैं, तो वो लोग बड़े बड़े त्योहारों पर, दिवाली होली पर, सभी अपने घर आते हैं वापस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। सम पीपल मूव, कुछ लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं या जाते हैं टू अदर सिटीज़ और कंट्रीज़ फॉर बेटर जॉब्स, एजुकेशन एंड बिजनेस। माइग्रेशन और मूव, मूव बेटा जाते हैं, और माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्ट हो जाना, ठीक है? कुछ लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, उनके रीज़न क्या है दूसरी सिटीज़ या कंट्रीज़ में जाने का, वो बेटर जॉब्स, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, या फिर बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं। दे ट्रैवल टू मीट द मेम्बर ऑफ देयर फैमिली और टू अटेंड फैमिली फंक्शंस, या फिर वो क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों कई लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल मीन्स से यात्रा करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बस में, कार, स्कूटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके यात्रा करना, यात्रा करते हैं, तो वो अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाते हैं या फिर कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन जैसे किसी की मैरिज है या बर्थडे पार्टी है उसको अटेंड करने के लिए जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है? दीज डेज, इन दिनों में थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड टू विजिट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल एट्सेट्रा। आजकल के दिन में हज़ारों लोग जो हैं हमारे ही देश में या फिर विदेशों से भी लोग आते हैं क्या करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग घूमने फिरने। जैसे कई लोगों को पहाड़ों पर घूमने का शौक है तो वो गर्मियों में पहाड़ों पर अपनी जो हॉलीडेज़ हैं वो सेलिब्रेट करने चले जाते हैं माउंटेन एरिया में, है ना। कुछ लोगों को गोवा वगैरह एरिया, बीच एरिया पसंद होता है तो वो समुद्र देखने या फिर बॉम्बे या गोवा चले जाते हैं। इस तरह से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार वो लोग अलग अलग जगह पर विजिट करने जाते हैं। जैसे ताजमहल देखने जाते हैं कुछ लोग, रेड फोर्ट, लाल किला देखने जाते हैं, हवा महल जो जयपुर में है कुछ लोग वो देखने जाते हैं। सी कोस्ट आर फेवरेट प्लेसेस फॉर पीपल हु लिव स्विमिंग, लव स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। कुछ लोगों को पानी से खेलना या स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो समुद्र के किनारे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ पीपल कैन ट्रैवल एनीवेयर, लोग जो हैं वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, इन एनी वे, और अपनी मर्जी से कोई भी तरीका वो ट्रैवल करने के लिए चुन सकते हैं। दे वॉन्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड मनी, वो किस पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, वो डिपेंड करता है बेटा मनी की, उनके पास कितना टाइम है और कितना पैसा है। क्योंकि देखिए अगर वो एयरवे से जाते हैं, एयर एरोप्लेन से जाते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है,
ट्रेन से जाते हैं तो कम लगता है। इस तरीके से टाइम, कितना समय किसके पास है और कितने पैसा किसके पास है, वो अपने ईजिली, जिसमें वो ईजी फील करता है अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए। ओके, देन दे ट्रैवल बाय बस, कार, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन, शिप, बोट, वो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें से, है ना। नेक्स्ट, इन एंशिएंट टाइम मैन हैड टू वॉक ऑन फुट। पुराने टाइम में क्या होता था बेटे, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुए थे, यानी पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। आप देखो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना बच्चे, सब में टायर लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, लेकिन जब पहिए का आविष्कार ही नहीं हुआ था, इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, खोज ही नहीं हुई थी, तब लोग कैसे जाते थे? लोग तब पैदल चलते थे ऑन फुट। ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो खाने के लिए, वो घूमने फिरने नहीं जाते थे एक जगह पर, वो किसके लिए जाते थे उस टाइम में लोग जो है, वो सिर्फ अपने भोजन और रहने की जगह ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इफ़ ही हैड टू अक्रॉस अ वाटर बॉडी, और अगर उन्हें कोई नदी पार करनी होती थी, नदी या नहर पार करते थे, तो वो कैनो यूज़ करते थे, यानी डग आउट, एक छोटी सी बोट होती है, लुक एट दिस, इस तरीके से, इसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन फिर भी ये नदी पार कराने में हेल्प करती थी उनकी, ठीक है, या फिर कोई बोट का यूज़ करते थे। ही हैड टू कैरी हिज गुड्स इधर ऑन हिज हेड, और वो जो चीज़ें सामान उठा कर ले जाते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, जो बचा हुआ सामान होता था वो उठा करके अगर ले जाते थे, वो अपने सिर पर उठा कर ले जाते थे या फिर अपनी पीठ पर लाद कर, और ऑन हिज बैक। ही कुड नॉट ट्रैवल वेरी फार, और वो बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादा दूर तक तो इंसान चल ही नहीं सकता ना पैदल, तो वो भी थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करते थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको एक पिक्चर देखिए, अर्ली मैन वॉकिंग ऑन फुट, अर्ली मैन पैदल चलता था या कैनो का यूज़ करता था या फिर इस तरह के बोट्स का यूज़ करते थे। क्लियर, द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, और जब व्हील का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया, उसने अर्ली मैन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ही मेड ए कार्ट एंड लोडेड हैवी गुड्स ऑन इट। अब आप देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इस तरह से लॉग ऑफ वुड, लोग था एक, यानी लकड़ी का लट्ठा होता है बड़ा, पेड़ की लकड़ी जैसी होती है उस तरह से, उसने उसको काट करके पीसीज किए, पीसीज करके शेप देनी शुरू कर दी, और इस तरह से पहिए का आविष्कार होता चला गया। शुरू शुरू में जो ये वो था ना आपका अर्ली मैन था, वो इस तरीके से एंशिएंट टाइम में अर्ली मैन जो था वो इस तरीके से स्लेज बनाता था और उस पर अपना सामान ले जाने लगा, फिर उस स्लेज में उसने पहिए लगा दिए, जब पहिए का आविष्कार हुआ फिर ऐसे चलने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे कार, बस, स्कूटर, टायर में, ये सब में टायर यूज़, यानी पहिए यूज़ होने लगे, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, उसने पूरी तरह से इन्वेंशन ऑफ व्हील ने अर्ली मैन की लाइफ को चेंज कर दिया। ही मेड अ कार्ट एंड लोडेड हैवी गुड्स ऑन इट, उसने कार्ट बनाई जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, और उसमें वस्तुओं को लोड करना शुरू कर दिया, चीज़ों को। ही ऑल्सो ट्रेन हॉर्सेज एंड डंकीज टू पुल द कार्ट्स, फिर उसने धीरे धीरे, पहले तो वो खुद ही उस कार्ट को चलाता था, ठीक है, उसके बाद उसने डॉग्स को और ये हॉर्सेज को और डंकीज को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि वो कार्ट को खींच के ले जा सके। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बिकेम ईजियर, और उससे क्या हुआ, लोगों का जो अर्ली मैन थे उनका, और जो वस्तुएं वो ले जाते थे, चीज़ें ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको ले जाना आसान हो गया था। द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वे द मैन एट एंड लिव्ड। फायर, उसके बाद अर्ली मैन ने किस चीज़ का आविष्कार किया, फायर का आविष्कार किया, उससे इंसान की खाने पीने की आदतों में बदलाव आ गया, उसके रहन सहन में बदलाव आया। इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उसने उसके और ज़्यादा चेंज आया, उसमें क्या हुआ, उसने जो लोग थे उस टाइम में अर्ली मैन था वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगा, मूव करने लगा, ठीक है। द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मतलब डिपेंड किस पे करती है बेटा, व्हील पे। आप सोचिए अगर व्हील ही ना होता, पहिया ही ना होता, तो ट्रांसपोर्ट में किस प्रकार से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ना एरोप्लेन्स होते, ना ट्रेन्स होती, ना कार होती, ना बस होती, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा ऐसा नहीं है। आप देखिए अपने आसपास भी, स्कूटर, साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक, वो कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसमें पहिए ना हो। कैन यू सी व्हील्स एवरीवेयर, आप देखिए, यू कैन सी व्हील्स एवरीवेयर, आप देखोगे व्हील्स हर जगह होते हैं, रिक्शा में भी, बाइसिकल, स्केट्स, आप स्केटिंग करते हो, कार में, ट्रेन, प्लेन, मशीन, फैक्ट्री एंड फार्म इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आप घर में देख लीजिए। आप वॉशिंग मशीन देखिए, उसमें भी व्हील है। ड्रायर देखिए, वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है, उसमें भी व्हील होता है। आप देखिए, आप मशीन यूज़ करते हैं, मिक्सर यूज़ करते हो, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना मम्मा किचन में, आप देखिए उसमें भी व्हील है। आप बेटा अपने आसपास देखिए घर में, कितने सारे, हर चीज़ में आपको व्हील मिलेगा, पहिया मिलेगा, ठीक है। यानी जब पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, तो उसके साथ साथ बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स यानी और भी चीज़ें जुड़ गई थी।
The wheels have changed from round blocks of wood to rubber tire with air filled tubes. अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लकड़ी से टायर बने थे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद रबड़ के टायर बनने लगे, फिर जो थे वो ट्यूबलेस टायर बनने लगे, इस तरह से उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे. कैन यू इमेजिन ए लाइफ विदाउट व्हील टुडे? अब आप बेटा, आपके लिए काम है, आप सोच कर देखिए, अगर व्हील ना हो, पहिया ना हो तो क्या होगा. पहिया, आप देखो, आप जब सोते हो ना तो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर पंखा चलता है. ये पोएम सुनी है ना आपने, आप देखोगे कि पंखा भी जो क्या है वो भी एक तरह का व्हील है बेटा. पंखा भी गोल गोल घूमता है, व्हील है ना वो भी, उसी तरीके से. तो व्हील के बिना लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है. आपके लिए काम है, आपने सोचना है, आपके आसपास देखो कितनी चीज़ें हैं जिनमें व्हील लगा हुआ है, ठीक है. डू यू नो द ओल्डेस्ट व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया? क्या आपको पता है सबसे पहला जो पहिया था उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया एक जगह है जो आजकल के टाइम में जिसको हम इराक या सीरिया या टर्की या ईरान के नाम से जानते हैं, एंड इज बिलीव टू बी ओवर 5500 ईयर्स ओल्ड. और ये माना जाता है कि ये करीब करीब जो पहिए का आविष्कार है ना वो 5500 साल पहले हुआ था. 5500 साल पहले, 5500 ईयर्स, यानी 5500 साल पहले आविष्कार हुआ था, ठीक है. डू यू नो बिसाइड्स बींग यूज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हील्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अदर फील्ड लाइक स्पिनिंग व्हील्स. वही मैंने आपको बताया कि हम जो व्हील्स हैं उसका यूज़ किन किन जगहों पर होता है वो सब आपने नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. क्लियर? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है बेटा सबसे पहले रोडवेज, सड़कों का, ठीक है. सड़क पर चलने वाले जो व्हील्स होते हैं, क्या क्या चलता है सड़क पे आप बताइए. कार्स चलती हैं, बसेस, ट्रक, बुलो कार्ट, टोंगा, बाइसिकल, स्कूटर, ये सभी रोड पर चलने वाले व्हीकल्स होते हैं. कार्स, बसेस एंड ट्रक्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल. जो कार, बस और ट्रक चलते हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं. दे टेक लेस टाइम, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये बहुत कम समय लेते हैं. फास्ट मूविंग व्हीकल्स यूज़ पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, क्योंकि इनमें कौन सी गैसेस डलती है, इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, सीएनजी डलती है. सीएनजी की बेटा फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है. और इससे क्या होता है, ये सेफ होती है बहुत, और इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है. पेट्रोल और डीजल से बहुत पॉल्यूशन होता है, लेकिन सीएनजी से पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है. स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक, और बहुत धीरे चलने वाले व्हीकल्स कौन से होते हैं? रिक्शा होता है, बाइसिकल होता है, टांगा होता है, क्योंकि इस टोंगा में जो मैन और एनिमल पावर यूज़ होती है, क्योंकि साइकिल चलाते हो तो आप चलाते हो, है ना, रिक्शा चलाती हो वो भी ह्यूमन बींग चलाएगा, टोंगा है वो एनिमल एनर्जी उसमें लगती है. तो इसीलिए जो रोडवेज होती हैं उसमें स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग दो तरह के व्हीकल्स होते हैं. जो स्लो मूविंग होते हैं वो आप लोग खुद चलाते हो या उसमें एनिमल पावर का यूज़ होता है, एनिमल एनर्जी का यूज़ होता है. और जो फास्ट मूविंग होते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का यूज़ होता है. क्लियर बेटा? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो पार्ट होगा है इस वीडियो का बच्चे, उसमें हम रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.